पीएम मोदी ने पहली बार बयान दिया है और इस घटना पर गहरी चिंता जताई गई है पीएम की ओर से। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इस घटना को बहुत ही दुखद और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ जरूरी कदम उठा रहे हैं और उन्होंने इस मामले में वाद विवाद या फिर प्रतिरोध की बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी बताया, और वो इसलिए भी ताकि इसका सही समाधान ढूंढा जा सके, सही रास्ता ढूंढा जा सके। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां बेहद सख्ती के साथ में जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस घटना के पीछे कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी दलों के आक्रामक रुख की वजह से दो दिनों तक संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है। वहीं कल भी यानी कि सोमवार को भी सदन में हंगामे के आसार हैं, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में क्या सबसे खास बात कही है, वो अहम सवाल है। संसद में जो भी घटना हुई है उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इसके अलावा इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं, पीएम की ओर से बताया गया कि स्पीकर जो जरूरी एक्शन है वो उठा रहे हैं। पीएम ने कहा है कि जांच एजेंसियां बेहद सख्ती के साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसके अलावा पीएम की ओर से कुछ और बड़ी बातें हैं जो कि कही गई हैं, लेकिन फिलहाल ये तीन बड़ी बातें हैं जो कही गई हैं। साथ साथ पीएम की ओर से आश्वासन ये दिया गया है कि जो भी ये इस मामले में संलिप्त हैं उन्हें कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाएगी। लेकिन इस पर एक और बड़ी अपडेट, संसद सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में स्पीकर ने लिखा है कि सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। ओम बिरला ने साफ किया है कि सांसदों का निलंबन श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं के अनुपालन से जुड़ा हुआ है और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि सदन में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हर ऐसी घटना के विरोध में सदन ने एकजुटता का परिचय दिया है। जो पत्र इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं, ये स्पीकर का लिखा पत्र है उन सांसदों के लिए जो 13 दिसंबर की घटना से सांसदों के निलंबन को जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने इसमें लिखा है और उम्मीद जाहिर की है कि भविष्य में सभी सांसद संसद की गरिमा को सर्वोपरि रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सभी सांसदों को आश्वासन भी दिया है कि हाई पावर्ड कमेटी संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाएगी और इस मजबूती से भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके जिससे कि सांसदों को दिक्कत हो। लेकिन एक और बेहद अहम और बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद सुरक्षा चूक मामले में सभी आरोपियों के मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। आरोपी ललित झा सभी आरोपियों के फोन लेकर के राजस्थान भाग गया था और ये सबसे खास बात भी है। लेकिन एक और अहम बात जो पत्र स्पीकर की ओर से लिखा गया है जिसमें इस पूरी घटना को लेकर कहा गया है कि जो 13 दिसंबर की घटना हुई है उसे उन सांसदों के निलंबन से जोड़कर देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। दरअसल श्रेष्ठ संसदीय परंपरा के अनुपालन से जुड़ा हुआ ये पूरी निलंबन की कार्रवाई है। और ये गौर करिएगा, ये जो पत्र है वो सभी सांसदों की ओर से ओम बिरला को जो चिट्ठी लिखी गई है सभी सांसदों को ओम बिरला की वो है और उसमें लिखा हुआ है कि सदन में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इस पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, सदन ने हमेशा एकजुटता का परिचय दिया है। वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर, इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, तफ्तीश लगातार आगे बढ़ाए हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में सभी आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद कर लिए। आरोपी ललित झा सभी आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर राजस्थान भाग गया था जहां उसने महेश के साथ मिलकर सभी मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने राजस्थान पहुंचकर उन सभी मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। हालांकि सभी मोबाइल फोन पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, पुलिस को उनके अवशेष अभी तक मिल पाए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोपी ललित ने पहले सभी आरोपियों के मोबाइल फोन तोड़े और इसके बाद उन्हें जला दिया था। जो तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं, स्पॉट पर उसे आरोपी को ले जाया गया जहां पर निशानदेही पर जले हुए मोबाइल फोन मिले। और सबसे खास बात यह कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई लगातार आगे हो रही है और जिस तरह से अब इन आरोपियों से पूछताछ हो रही है उसके बाद एक एक कर तमाम सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से सभी आरोपियों के मोबाइल फोन ललित लेकर भाग गया था उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एक बात तो साफ है कि बिल्कुल नहीं चाहता था कि सबूत किसी के हाथ लगे। देखिए अंकिता, बिल्कुल ये सुनियोजित साजिश थी, इसी वजह से तमाम लोगों के जो फोन है वो ललित के पास थे और ललित ने उन फोन को नष्ट किया, जलाया।
लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन फोन के अवशेष जो है बरामद कर लिए हैं। अब दिल्ली पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि फॉरेंसिक लैब के जरिए जो ये फोन तोड़े गए हैं, इन्हें जलाया गया है, इनका जो डाटा है वो वापस हासिल किया जाए कि किन लोगों से इसने चैट्स की, किस तरह की बातें की गई हैं और किन किन लोगों से संपर्क में थे। अगर ये पुलिस हासिल कर लेती है तभी जो असली मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचा जाएगा। हालांकि अभी कोर्ट में पुलिस ने बताया कि ललित इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, लेकिन क्या ललित के पीछे भी कोई शख्स है, कोई साजिश है, कोई बड़े चेहरे हैं, उनकी जाँच के लिए लगातार दिल्ली पुलिस की तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है। और न केवल दिल्ली, महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हरियाणा तक जो है वो जांच का दायरा पहुंच चुका है। आनंद, ये बड़े सवाल भी हैं कि जिस तरीके से ये एक सबूत मिटाने की कोशिश हुई है और अब पुलिस इस दिशा में भी कार्रवाई करेगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है संसद की सुरक्षा में, इस सेंस से जुड़ी हुई ये खबर। साजिश पिछले 2 साल से रची जा रही थी इस घटना को अंजाम दिए जाने के लिए, और इसके लिए आरोपी पिछले 2 साल से तैयारी भी कर रहे थे। और ये पर्दाफाश 7वें आरोपी महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। और ये जो तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी आरोपी महेश की तस्वीर है जिससे पूछताछ में अब ये खुलासा हो रहा है कि पिछले 2 साल से इस साजिश की तैयारी चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी अदालत को भी दी है और पुलिस ने कल महेश को गिरफ्तार कर लिया था एक लंबी पूछताछ के बाद, और पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया जहां 7 दिन की पुलिस रिमांड भी महेश की मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश पिछले 2 साल से चल रही थी और इसके लिए आरोपी पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे, ये पर्दाफाश 7वें आरोपी महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। और इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर तैयारी पिछले 2 सालों से चल रही थी तो क्या महज स्पीकर के साथ साथ तमाम सांसदों, देश भर का ध्यान आकर्षित करना ही महज मोटिव था या फिर कोई और बड़ी साजिश या कोई और बड़ा मसला था। सीधा हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी आनंद, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, पिछले 2 साल से तैयारी, ऐसा नहीं हो सकता कि महज ध्यान आकर्षित करने की कोशिश इन लोगों की ओर से की गई हो, क्या कुछ और भी मोटिव हो सकता है, इस पर भी जांच हो रही है। आनंद तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आनंद का हम रुख करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है और इस पर इसकी तह तक जाने की पुलिस जाहिर तौर पर कोशिश करेगी, जांच एजेंसियां कोशिश करेंगी, क्योंकि 2 साल से अगर तैयारी चल रही थी, 2 साल से प्लानिंग चल रही थी तो महज संसद भवन के भीतर जाकर इस तरीके से जो पीला धुआं था उसे छोड़ना नहीं होगा, वहां पर महज ध्यान आकर्षित करना भी सिर्फ यही एक मकसद हो सकता है, ये इसके इतर क्या कुछ और खतरनाक मंसूबे थे, इसकी तह तक पुलिस अपनी जांच के द्वारा जाने की कोशिश करेगी। यानी पिछले कई दिनों से इस तरह की साजिश को रचा जा रहा था, इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश चल रही थी। ललित झा जिसे अब तक की तफ्तीश में मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन यह जानने की भी कोशिश हो रही है कि क्या महज ये एक मोहरा है, इसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा है, यह भी सबसे अहम बात है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में महेश कुमावत के पकड़े जाने के बाद यह 6ठी गिरफ्तारी है, और आपको बताते हैं कि 6ठे आरोपी महेश कुमावत की आखिर भूमिका क्या रही है, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए एक एक करके आपको समझाएंगे। दरअसल ये एक के बाद एक गिरफ्तारी की गई है, कुछ लोगों को हिरासत में रखा गया था और फिर उसके बाद एक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई, उसमें से महेश का भी एक नाम है। लेकिन वारदात को लेकर जितनी भी बैठकें हुई उसमें आरोपी महेश कुमावत लगातार शामिल रहा है, क्योंकि ये देश के अलग अलग इलाकों से, हिस्सों से आए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एक दूसरे से जुड़े, चैट की, फिर एक दूसरे के मोबाइल नंबर साझा किए गए, फिर व्हाट्सएप पर आने की बात कही गई, कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसकी भी तफ्तीश कर रही है। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से इन तमाम लोगों को जोड़ा गया और उसके बाद दिल्ली में संसद में दाखिल होने की एक बड़ी साजिश रची गई। ललित झा की ओर से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, ललित झा ने उसके बाद तमाम आरोपियों के फोन को अपने पास रखा, उसके बाद वारदात के बाद उसे नष्ट भी कर दिया, जिसका साफ मतलब है कि सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके से ललित झा ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। एक बार आनंद का फिर से रुख कर लेंगे। आनंद, महेश कुमावत से पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि 2 सालों की लगातार प्लानिंग चल रही थी, सिर्फ ध्यान आकर्षित करना तमाम सांसदों का यही मकसद नहीं हो सकता, कुछ और भी मोटिव हो सकता है, इस पर भी पुलिस की जांच होगी। देखिए अंकिता, बिल्कुल कल पटियाला हाउस कोर्ट में जब महेश को पेश किया गया तो उस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि ये केवल 9 महीने नहीं बल्कि 2 साल से साजिश रच रहे थे और 2 साल पहले से ही तमाम लोग आपस में जुड़े हुए थे, खासतौर पर महेश और ललित जो दोनों इसके मास्टरमाइंड है, क्योंकि महेश वो किरदार है जिसने की आरोपियों को छुपाने में और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में मदद की, और यही वजह थी कि कल उसकी 7 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो पुलिस ने लिए और बहुत जल्द जो पुलिस है कई जगहों पर निशानदेही के लिए ललित और महेश को साथ में लेकर जाएगी। ये सबसे अहम बात भी है कि अब कुछ और खास जगहों पर इसे लेकर जाया जाएगा। लेकिन आनंद, जो एक बड़ा सवाल उठता है,
वो भी सबसे अहम है कि अगर ये दो साल पहले से ये साजिश रच रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नए संसद भवन में दाखिल होने की इनकी योजना थी, बल्कि तब तो पुराने संसद भवन को ही एक्टिव माना जा रहा था, यानी संसद भवन में दाखिल होना इनकी एक बड़ी व्यूहरचना थी। और ऐसे में एक बड़ी खबर यहां पर, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में महेश कुमार के पकड़े जाने के बाद अब जो चीजें सामने आई है, जिन बातों का खुलासा हुआ है, वो सबसे अहम भी है। आनंद हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर। आनंद, क्या यह माना जाए कि अगर दो साल से यह साजिश रची जा रही थी तो यह सिर्फ नए संसद भवन में ही दाखिल होना इनकी योजना नहीं थी? मकसद चाहे वो पुराना ही संसद भवन क्यों ना हो, दाखिल होना और अपनी एक्टिविटीज को अंजाम तक पहुंचाना। देखिए प्रशांत, बिल्कुल दो बार रेकी की गई, यही वजह थी कि इंडिया गेट पर मीटिंग की गई और बकायदा बजट सत्र के दौरान एक बार जो है वो आरोपी जो है वो संसद भवन तक पहुंचे कि उन्हें पता था कि किस तरह से जूते की जो है वो चेकिंग नहीं होती, अगर जूते की कैविटी में कुछ आर्टिकल रख के अगर संसद के अंदर दाखिल हुआ जाएगा तो आसानी से अपने मकसद में कामयाब हुआ जा सकता है। यही वजह है कि 13 दिसंबर का दिन चुना गया, 13 दिसंबर को जब एक आतंकवादी हमला जो है वो संसद पर हुआ था और उसी दिन एक अटेंशन लेने के लिए मीडिया का और पूरा देश का इस साजिश को जो है वो रचा गया और इस साजिश को अंजाम दिया गया। बिल्कुल आनंद, अब पुलिस की ओर से कोशिश ये होगी कि जो मोबाइल नष्ट कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसका डेटा जो है वो रिट्रीव कर लिया जाए। लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक मामले में महेश कुमावत के पकड़े जाने के बाद ये छठी गिरफ्तारी है। और आपको ये बताते हैं कि छठे आरोपी महेश कुमावत की आखिर भूमिका क्या रही है, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए के करके आपको बताएंगे। संसद में घुसपैठ की योजना की हर बैठक में ये महेश शामिल था, जिसे कई और तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदारी भी मिली थी। इसके अलावा अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन को नष्ट करने का आरोप भी महेश कुमावत के ऊपर ही लगा है। ललित के साथ मिलकर के महेश ने ही मोबाइल फोन नष्ट किए और संसद में घुसपैठ करने वालों के लिए रहने का भी इंतजाम करने की जिम्मेदारी इसी महेश के पास थी। इसके अलावा महेश कुमावत को लगातार अब पुलिस ग्रिल कर रही है और क्या जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।